हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीलू जनपरी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने इंडक्शन का ये कॉइल जल क्यों जाता है। इसको एक बार आप कॉइल को ध्यान से देख लीजिए। तो आप इस कॉइल को देख सकते हैं, ये कॉइल अपना एल्यूमिनियम या कॉपर किसी में भी हो सकता है, इससे अपने को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात यह है कि जब तक कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम, उसका इंसुलेशन, वायर का जो इंसुलेशन होता है वो जब तक नहीं हटता है तब तक अपना कॉइल ठीक है, और जैसे ही वायर का इंसुलेशन हट जाता है तो अपना कॉइल खराब हो जाता है। काला पड़ना भी ऐसा नहीं है कि काला पड़ने से ख़राब हो जाता है, क्योंकि काला पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। मान लो कॉइल अपना ऐसे लगा रहता है, और मान लो इसके नीचे का जब कैपेसिटर फटता है तो इसका काला धुआं कॉइल के यहाँ लग जाता है, क्योंकि कॉइल उसके ऊपर रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कॉइल ख़राब है। कॉइल हटने की पहचान ये है, ख़राब होने की पहचान ये है कि ये आप देख सकते हैं इंसुलेशन वायर जो है, ये यहाँ से इस वायर का इंसुलेशन हट गया है, तो इसका मतलब ये कॉइल ख़राब है। और ये कॉइल ख़राब होने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जानने होंगी कि इंडक्शन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, अपना टॉपिक सिर्फ इतना है कि ये कॉइल अपनी गलती से क्यों जली, मैं इसकी बात करूँगा। लेकिन इससे पहले जानना ये भी ज़रूरी है कि इंडक्शन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। आप सीरीज टेस्ट लैंप लीजिए, और कोई भी कूलर उल्लर की कोई भी मोटर आप ले लीजिए। अब मोटर को आप सीरीज में चलाइए, आप मोटर को सीरीज में चलाइए और उसकी रोड को जो शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट को आप पकड़ लीजिए। आप देखोगे कि इधर में अपना सीरीज बल्ब है जो ग्लो करने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप स्पीड इसकी कम दबा दोगे, बीच के थोड़ा टाइट घूमने दोगे फैन को या कूलर मोटर को, तो अपना सीरीज बल्ब उतना ही थोड़ा ज़्यादा ग्लो होते जाएगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो बल्ब ग्लो होना कम कर देता है। जैसे आप पूरा जाम कर दोगे बल्ब अच्छी तरह से ग्लो हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि वाइंडिंग जो अपन करते हैं स्टेटर में, वो अपना चुंबकीय फ्लक्स बनाता है, और उस फ्लक्स को काटता कौन है, अपना रोटर। आप रोटर जाम हो गया है या कुछ हो गया है तो सीधी सी बात अपना मोटर जल जाएगा, वाइंडिंग जलेगी। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन वाइंडिंग में होता क्या है, वाइंडिंग में अपना 360 डिग्री पे अपना वाइंडिंग अपन करते हैं। इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है उसका 360 डिग्री पे बनता है, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है चुंबकीय फ्लक्स का। अब बात हुई है कि ये चुंबकीय फ्लक्स सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे इंडक्शन अपना काम करता है। इतना चीज़ आप समझ लियो। अब उसका रोटर आप पकड़ रहे हो, बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब हाई एम्पियर ले रहा है कूलर, मोटर को जाम करोगे तो। ठीक उसी प्रकार से, अब एक छोटी सी बात बीच में बताना चाहूँगा कि मेरे पास, मैं कुछ E0 E9 ये सब एरर का कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है इंडक्शन का, जिसमें बहुत सी मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आप इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना के बेवकूफ़ बना रहे हो, कॉइल को थोड़ा सा आप ऊपर उठा दीजिए, बर्तन सेंस कर लेगा, इस टाइप का कमेंट आया था। तो मैंने भी उनका एक रिप्लाई इतना ही दिया कि भैया आप कर लो, अगर ठीक हो जाए तो मेरे को बताना, आगे से मैं भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप कॉइल को, कंपनी कुछ भी बनाती है बहुत सोच समझ के डिसाइड करके बनाती है, ये जो कॉइल कसने के लिए जो स्टैंड इसका रहता है स्क्रू लगने का, ये कंपनी बहुत सोच समझ के इसका हाइट डिजाइन करती है। सेंसर अपना सिर्फ ऊपर मेटल को टच होना चाहिए। अब आप कॉइल को ऊपर उठा दिए, अब बर्तन इसके कॉइल के एकदम समीप आ गया, वही बात होगी कि आप शाफ्ट को पकड़ लियो, जाम कर दियो। अब फ्लक्स को काटने के लिए आप उसको ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हो, तो होगा क्या, एम्पियर ज़्यादा लेगा, लोड किस पे पड़ेगा, पूरा फ्लक्स कट नहीं पाएगा ठीक से, तो लोड किस पे पड़ेगा, कॉइल पे पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि कॉइल अपना जल जाएगा। इसलिए गलती अपनी है, आप कॉइल को हाइट नहीं दीजिए, जहाँ है वहीं पे कीजिए। अब आप बोलोगे कि E0 का सेंसर एक तो सिग्नल बोर्ड की वजह से होता है, वो आपको समझ में आ गया। और कभी कभार होता क्या है कि आदमी कॉइल को ऊपर उठा दे, थोड़ा सा ऊपर कर देता है और बर्तन सेंस करना काम कर देता है। उसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि आप कॉइल को हटा दियो, नहीं, ये गलत है। इसका सही तरीका है ठीक करने का कि आप जो कॉइल के पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा है, ये वाला कॉइल के पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा रहता है, ये इसका पावर कमज़ोर हो गया है,
तो इसमें प्रॉपर फ्लक्स नहीं बन पा रहा है, तो आप इस कैपेसिटर को चेंज कीजिए, नहीं कि आप कॉइल को ऊपर उठाइए। अगर कॉइल ऊपर उठाओगे तो फ्लक्स काटने के लिए जगह ही नहीं मिली है बर्तन को, और मिली तो इतना नज़दीक आ गया कि हाई एम्पियर लेगा, आप एम्पियर कंट्रोल नहीं करा पाओगे सर। तो सीधी सी बात है कि अपना कॉइल जलना ही है, इसलिए फ्रेंड्स कभी भी कॉइल की हाइट ऊपर ना करें। तो यही था इस वीडियो में कॉइल जलने का मुख्य कारण। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए। ज़्यादा मैं फिजिक्स में नहीं गया हूँ, अगर आपको और गहराई से इसका इंडक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी पूरा फिजिक्स तरीके से फिजिक्स की भाषा में पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।